मेहनत सफल होगी। लगा दी ताकि कोई भी बर्ड आती तो वो पहले बैठती है वहाँ पे और उस जगह को ये सुरक्षित जगह है कि नहीं है, तो जब वो आके बैठेगी देखेगी तभी। तो इमरान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सबको दिखाने जा रहे हैं कुछ खास, तो क्या खास दिखाने जा रहे हैं, तो आपको ये देखिए दिखाते हैं। कल हमने जो गौरैया होती है तो उसके लिए जो है घर बनाए हैं छोटे छोटे, आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे घर बनाए हैं और इसको हमने ऐसे करके लगा दिया ताकि अगर छत पे आपकी चिड़ियाँ आती हैं बर्ड आती हैं तो वो अपना घोंसला इसमें बना सकें। और जो है जैसे आपने बताया कि स्प्रिंग सीज़न आने वाला है तो इस सीज़न में चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं और जो है अंडे देती हैं, तो उनको इधर उधर भटकना ना पड़े क्योंकि शहरी इलाकों में अब जो है ना पेड़ पौधे बचे नहीं हैं। तो इसलिए एक छोटी सी पहल की है हमने। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दिएगा और प्लीज ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने बर्ड हाउस बनाए हैं, चिड़ियों के लिए घर बनाया है। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमने जो है एक बोरी से इन चिड़ियों के घर बना दिए हैं ताकि चिड़ियाँ आए तो उनको अपना घोंसला ना बनाना पड़े और उनको बना बनाया घर मिल जाए। इन घरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है इन घरों के अंदर हमने जो है दाना भी डाल दिया है ताकि चिड़ियां आए और इसके पास बैठें और इन घरों के अंदर जाके अपना घोंसला बना सकें। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने जो है तीन बर्ड हाउस आप लोग देख सकते हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खूबसूरत। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है बर्ड्स के लिए दाना भी डाल दिया ताकि वो आएं और इनको खाएं। तो लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चिड़ियां कब इस हाउस में आती हैं। चिड़ियां जब इन घरों में आएंगी तभी जो है मेरी मेहनत सफल होगी। यहाँ पे हमने चिड़ियों के लिए दाना और पानी का भी इंतज़ाम करके रख दिया क्योंकि जब आपके घर पे कोई भी पंछी जानवर आता है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हम चाहते हैं कि जो मतलब पंछी जो है विलुप्त जो है उनको जो है वो विलुप्त ना होए। बहुत अभी गर्मियां आने वाली हैं तो इन गर्मियों में जो है उनको भटकना ना पड़े पानी दाने के लिए। और जो है गौरैया जो है चिड़ियाँ जो है अंडे देती है तो उनको अपने घर की तलाश रहती है कि घोंसला कहाँ पे बनाए। लेकिन शहर में जो है अब जगहें ख़त्म होती जा रही हैं, पेड़ कट चुके हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हमने एक छोटी सी पहल की है और इन चिड़ियों के लिए ये घर तैयार करके अपनी छत पर लगा दिए ताकि जो है चिड़ियां आएं और इसमें अपना घर बना सकें। तो जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि इन घरों में चिड़ियां कब आती हैं। तो जब भी चिड़ियां इन घरों में आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चिड़ियाँ जब ही आती हैं आपकी छत पे, जब उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, मतलब आपकी छत पे पेड़ पौधे होना चाहिए और जो है गार्डन बना होना चाहिए छोटा मोटा, तभी चिड़ियाँ आती हैं। तो कल आपको अगर वो मेरे पास शॉट हुआ तो आपको दिखाएंगे कि कल एक बुलबुल घमा उसको बोलते हैं, एक बर्ड आई थी तो वो इस पानी में पानी को पी भी रही थी और इसमें नहा भी रही थी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने लगी है तो पंछियों को बहुत दिक्कत होती है गर्मी में। तो उनके लिए आप लोग अगर छत पे पानी दाना रख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
ताकि कोई भी बर्ड आती है तो वो पहले बैठती है वहाँ पे और उस जगह को देखती है कि ये सुरक्षित जगह है कि नहीं है। तो जब वो आके बैठेगी, देखेगी, तभी वो इस घर में रहेगी आके। तो लेकिन देखने वाली बात ये है, चिड़ियाँ जो है इस घरों में कब आती हैं। और इनके लिए हमने यहाँ दाना और पानी का भी इंतज़ाम कर दिया है। तो अभी सूरज निकल आया है, तो चलिए फिर चलते हैं और आप सबको ये स्टोरी दिखाते हैं एडिट करके।